हाय गाइस, वेलकम टू अवर ऑन टेक्नोलॉजी चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एयरटेल स्ट्रीम फाइबर की रेंज कम ज़्यादा कैसे कर सकते हो। ठीक है गाइस, आपको दिक्कत आ रही है, दूसरे रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, कम एवरेज दे रहा है, तो आप उसकी रेंज कैसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर सच में आपको करना है तो वीडियो एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो रेंज कम ज़्यादा करने के लिए आपको मैं दो तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके आपके काम आने वाले हैं। देखिए गाइस, जब भी आप कनेक्शन करवाते हो या फिर करवाना चाहते हो या फिर कोई और करवा रहा है आपकी फैमिली मेंबर के अंदर, तो ये देखिए मेरा ब्लैक वाला एयरटेल स्ट्रीम फाइबर लगा हुआ है। गाइस, जब भी आप एयरटेल स्ट्रीम फाइबर लगाओ तो उसको वेंटिलेशन के पास में लगाना और ऊपर की साइड लगाना, ठीक है, जैसे मेरा लगा हुआ है देखिए। उससे क्या होगा कि आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी, आप अपनी छत पर भी कनेक्ट कर सकते हो और नीचे वालों को भी फायदा होगा। और दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको कवर करने के लिए आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा, स्टैंड लगवाना पड़ेगा। वो स्टैंड अराउंड 1500 या 2000 के अंदर लग जाता है। एक वायरलेस भी आता है और एक वायर वाला आता है। वायर वाले में ये होता है कि आपको स्पीड ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो आप इन चीज़ों के साथ भी जा सकते हो अपनी रेंज बढ़वाने के लिए एयरटेल स्ट्रीम फाइबर के अंदर। ये तो गाइस हो गया पहला तरीका, अब चलिए दूसरा तरीका जानते हैं जो आपकी फ़ोन की सेटिंग के अंदर हो सकता है। गाइस, आपको कोई भी एक फोन के अंदर ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है, और आपको गूगल पे सर्च करना है 192.168.111। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ये आप नोट डाउन कर लेना और आप भी गूगल के अंदर टाइप कर लेना। फिर आपको सर्च करना है इसको। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है गाइस। जिस किसी ने भी आपका कनेक्शन किया होगा उस वक्त उसने कुछ आईडी पासवर्ड डाला होगा। वो मोस्टली यूजर्स जो मतलब सर्विस वाले जो होते हैं वो एडमिन ही डालते हैं, तो आप दोनों जगह एडमिन डाल के देखना। अगर लॉगिंग नहीं होता है तो आप उसको जिससे भी आपने कनेक्शन करवाया था उससे कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको वो बता देगा कि उसने क्या डाला था, ठीक है। और आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। और कॉन्टेक्ट कैसे करना है एयरटेल स्ट्रीम फाइबर वालों से, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी, ये देखिए, आप वहाँ जाके ये वीडियो देख के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आप चाहो तो आपकी लोकेशन भी चेंज करवा सकते हो, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, तो आप जाके आई बटन पर ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो फिर आपको अब क्या करना है, आपको दोनों जगह एडमिन डालना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है गाइस। अब सिंपली मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर टैप करके आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, जिससे क्या होगी कि आपकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी एयरटेल स्ट्रीम फाइबर के अंदर। तो आपको यहाँ पे लोकल नेटवर्क दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में VLAN का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अब जैसे ही नीचे आओगे आपको यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। पे आपको जो स्क्रीन पे जो सेटिंग दिखाई दे रही है ना गाइस, आपको बस इसको कॉपी पेस्ट कर देना, सेम ऐसी के ऐसी सेटिंग करके आप यहाँ पे नीचे की साइड अप्लाई कर देना। आपको कोई भी नहीं करना, जो ये सेटिंग है सेम ऐसी सेटिंग करके आपको अप्लाई कर देना है, जिससे कि क्या होगी कि आपकी एयरटेल स्ट्रीम फाइबर की रेंज इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन सॉरी गाइस, जो SIG वाला ऑप्शन है उसको आप ऑन कर लेना, ठीक है, फिर अप्लाई करना, ठीक है। जो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, देखिए, हाँ, इसको ऑन कर लो और अप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप जैसे ही देखाओगे, अब आप अगर यूज करोगे दूर जाके तो आपको सच में देखने को मिलेगा कि रेंज इंक्रीज हो गई है। अगर गाइस आपको आपके ब्राउजर की रेंज चेंज करवाना है, मतलब लोकेशन चेंज करवाना है, सॉरी, तो आप आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, तो आप उसकी लोकेशन कैसे चेंज करो ये भी जान सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।